जी बताइए सर जी, क्या जो है दिक्कत आपको हो रही है ट्रैफिक विभाग में? आप कितने दिनों से अपनी शिकायत लेके घूम रहे हैं, क्या है पूरा मामला? जी 29 तारीख को मुझे दोपहर को एक मैसेज आया कि मेरा गाड़ी का चालान कटा है, और 29 तारीख को मैं किधर निकला ही नहीं था, मैं अपने घर पे ही था। तो जब भी मैंने ऐप खोला तो जो गाड़ी का नंबर आ रहा था वो नंबर तो मेरी गाड़ी का था, पर गाड़ी दूसरी थी। मेरी वाइट कलर की एक्टिवा 5G गाड़ी है, और जो फ़ोटो निकाला गया है RTO की तरफ से, जो सिग्नल क्रॉस करते हुए फ़ोटो आया है, वो मरून कलर की गाड़ी का है। तो मेरी गाड़ी तो नहीं है, मतलब मेरे नंबर की गाड़ी की दूसरी गाड़ी भी शहर में चल रही है कल्याण में, और उसकी एप्लीकेशन के लिए मैं घूम रहा था। आज मैंने अभी एक नंबर पुलिस चौकी में भी कंप्लेंट कर दी है, ट्रैफिक कंप्लेंट में भी डाल दी है। किस तरीके का चालान जो है, किस तरीके की पेनल्टी आपको लगाई गई? मुझे 500 का चालान का मैसेज आया है ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करते हुए कल्याण खड़कपारा सर्किल का। अच्छा, अभी जो इसके बारे में आप जब शिकायत कराने के लिए गए हैं, कहाँ कहाँ शिकायत आपने की है ट्रैफिक विभाग कल्याण और उल्लासनगर? मैं कल्याण में भी गया था, RTO में भी गया था, पर पहले तो ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ से बोला कि हमारा RTO में कंप्लेंट नहीं की गई। अभी मैं कल्याण ट्रैफिक डिपार्टमेंट में से भी रिटर्न आया हूँ। अभी मैंने एक नंबर पुलिस चौकी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट दोनों जगह अर्जी कर दी है, और थाना कमिश्नर को भी मैंने मेल कर दिया है, ट्रैफिक में भी ऑनलाइन भी कंप्लेंट की है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस तरीके से जो गलत इस्तेमाल अगर गाड़ी का होता है एक ही नंबर में तो परेशानियां बढ़ सकती है। सर जी, मुझे एक ही सिर्फ डर है कि अगर कल को वो बंदा कुछ गलत काम करता है तो प्रॉब्लम मेरे लिए आएगा, तो ऐसे जल्दी पकड़ा जाए ऐसी बात ना हो, ऐसा नहीं कल को मेरे लिए तकलीफ हो जाए।